नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास इलेवंथ का आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा एक्सरसाइज 3.2 को लेकर। पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि हम किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पॉजिटिव रखते हैं, किस किस को नेगेटिव रखते हैं, और उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है, जिसमें एक्सरसाइज 3.2 में आपका पहला क्वेश्चन आपके लिए बनता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। मतलब कहने का ये है कि त्रिकोणमितीय शेष अनुपातों के मान आपको निकालने हैं, कब, जब आपको दिया है कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1/2। और उसने साथ में हिंट दे दी कि आपका जो एक्स है मतलब थीटा है वो लाइज करता है, मतलब स्थित है तीसरे चतुर्थांश में। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम ये चतुर्थांश से रिलेटिव जो भी टॉपिक हमारे सामने है उसको पूरा करना है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो क्वाड्रेंट होते हैं, किसी एक पार्ट के चार भाग होते हैं, उसके हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और हमने पिछली वीडियो में पूरी तरह से जान लिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जितने भी का मतलब है उन छह से जो हमारे सामने होते हैं, तो छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सारे के सारे होते हैं हमारे नेगेटिव। मतलब केवल साइन और कोसेक प्लस का, बाकी सारे नेगेटिव। और ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं तो यहां पर केवल टेन प्लस का होगा और कॉट प्लस का होगा, बाकी सारे के सारे होंगे नेगेटिव। इसी तरीके से जब हम चौथे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहां पर केवल कॉस और सेक, केवल दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे माइनस के। इसका मतलब हमारे पास है क्या, सबसे पहले हमें लिखना है गिवन कि हमें दिया क्या है। हमें दे रखा है कि कॉस एक्स इक्वल है आपका माइनस 1/2 के। कॉस एक्स इक्वल टू है आपका माइनस 1/2, इसका मतलब कॉस एक्स की हेल्प से आपको निकालने हैं अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब अगर हम कॉस एक्स की हेल्प से साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन जब हम टेंथ पढ़ लिए होते हैं तो उसके बाद में जब हम इलेवंथ में आते हैं तो इलेवंथ में हमें उन चीज़ों का यूज करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला होता था कि अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स बता दिया जाए, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता था आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब आप साइन एक्स निकाल सकते हो अगर आप क्या लगा दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से अगर केवल आप साइन एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और ये आपका आ जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, मतलब कॉस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 1/2, और उसका क्या है, होल स्क्वायर। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 1/4। जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 बचेगा हमारे पास 3/4। इसका मतलब साइन एक्स इक्वल टू जो आया वो कितना हो गया, अंडर रूट 3, और 4 का स्क्वेयर रूट होता है 2। इसका मतलब साइन एक्स को हमने निकाल लिया। जब साइन एक्स को हमने निकाला, लेकिन हमने देखा उसने क्या कहा कि आपका जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। अगर वो तीसरे क्वाड्रेंट में है तो हमको पता है तीसरे क्वाड्रेंट में केवल दो लोग प्लस के होंगे, एक तो टेन प्लस का होगा और एक कॉट प्लस का होगा, और हमने देखा कि हमारे पास तो साइन है तो हम क्या लिख देंगे, यहां लिखेंगे बट एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब हमारा एक्स लाइज करता है तीसरे चतुर्थांश में, और जब तीसरे चतुर्थांश में लाइज करेगा तो आप लिख देंगे साइन एक्स इक्वल टू, तीसरे में तो साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि प्लस का तो केवल दो है, प्लस के केवल कौन है, दो, एक तो टेन है और दूसरा कॉट है। इस तरीके से हम क्या लिख देंगे यहां पर, माइनस का अंडर रूट 3/2। उसने क्या कहा था कि आपको शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को बताना है, शेष का मतलब कॉस दिया है
और होते कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इन छहों में से हमें पता है कॉस और हमने अभी तुरंत निकाला है साइन, एक मालूम हो गया। साइन के बाद क्या आता है, कॉस। कॉस हमें पहले से ही मालूम है और कॉस के बाद आएगा आपका टेन। और जब टेन एक्स आप लगाओगे तो हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स कितना आया अभी हमने निकाला था, माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू, और अपॉन कॉस एक्स कितना है आपका, माइनस वन अपॉन टू। माइनस से माइनस कैंसिल, टू से टू कैंसिल, इक्वल टू आ गया आपका अंडर रूट थ्री। और वैसे भी अगर देखा जाए तो टेन एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव। तो फाइनली लिख देंगे हम देयर फोर टेन एक्स इक्वल टू अंडर रूट थ्री, मतलब हमने साइन एक्स को निकाला एक आंसर हो गया, टेन एक्स को निकाला दूसरा आंसर हो गया। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो साइन हमारा निकल आया, कॉस हमारे पास था, टेन निकल आया, और कौन आता है कॉट, सेक और कुसेक। आइए सेक, कुसेक और कॉट को निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर अब बात आती है किसकी, कॉट की। तो कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है हम जानते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू टेंथ क्लास से होता था आपका वन अपॉन टेन थीटा, मतलब कॉट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टेन एक्स। इसका मतलब वन तो वन है और टेन एक्स अभी तुरंत निकाला कितना आया अंडर रूट थ्री। और हमने देखा कि एक्स हमारा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है, थर्ड में, और थर्ड में तो कॉट किसका है प्लस का। तो फाइनली आपका आंसर कितना होगा वन अपॉन अंडर रूट थ्री। साइन निकल आया, कॉस दिया है, टेन निकल आया, कॉट निकल आया, इसके बाद आता है सेक। इसी क्रम में अगर हम सेक एक्स को निकालें तो सेक थीटा इक्वल टू होता था आपका वन अपॉन कॉस। मैं जितने भी फॉर्मूले बोलते जा रहा हूं वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताए हैं और टेंथ क्लास में आपने अच्छी तरह से पढ़े हैं। इसका मतलब वन अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस वन अपॉन टू। इस क्रम में अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये टू ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस का टू। इसका मतलब सेक एक्स माइनस का आया, sec x क्या है माइनस का, लेकिन sec x अगर हम इसमें देखें थर्ड क्वाड्रेंट में किसका आ रहा है, माइनस का ही है, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस पर ही छोड़ देंगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो किसका कर देते इसको, नेगेटिव। और ऐसे ही sec के बाद किस में आए, अगर हम बात करें cosec की तो cosec हमारा क्या होगा, cosec x इक्वल टू वन अपॉन साइन एक्स। इस तरीके से वन तो वन है और साइन एक्स कितना निकल के आया, माइनस का अंडर रूट थ्री अपॉन टू। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का टू अपॉन अंडर रूट थ्री। और हमने देखा कि कोसेक एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में किसका होना चाहिए, माइनस का, वैसे भी माइनस का आ रहा है। इस तरीके से हमने बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, एक तरीका तो रहा आपका ये। इसके बाद में मैं एक और अल्टरनेट मेथड, मतलब दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपकी समझ में ये अच्छी तरह से नहीं आता या बाय द वे आप इन फॉर्मूलों को भूल जाते हैं तो फिर याद कीजिए, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए होते थे तो टेंथ क्लास में एक हिंट दी जाती थी कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से ट्राइंगल की साइड निकालिए और साइड निकालने के बाद पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस के बाद इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस मेथड का भी हम यूज करने वाले हैं, आइए एक बार इसे अच्छी तरह से नोट कर लो।